जब तीसरे T20 मुकाबले में उतरेगी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने, तो दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी मद्देनजर रखे जाएंगे, क्योंकि 24 T20 मुकाबलों में 11 भारतीय टीम ने जीते हैं, वहीं 10 मुकाबले न्यूजीलैंड के पक्ष में रहे, 3 मुकाबले टाई रहे। तो हेड टू हेड में दोनों टीमों का पलड़ा 19-20 का है। भारतीय टीम एक मुकाबला एक्स्ट्रा जीत कर ओवर जरूर कर रही है, पर न्यूजीलैंड को कम नहीं आंकना चाहिए कि जो T20 में एक धारदार टीम के रूप में बनकर उभरी है। इस मैच को अगर देखा जाए तो क्रिकेट एंड मोर आप तक लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोर आप तक रेगुलरली अपडेटेड रखिएगा, तो क्रिकेट एंड मोर को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें। भारतीय टीम की कमान होगी हार्दिक पांड्या के हाथ में, एक नजर डालते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर। वहीं न्यूजीलैंड टीम की कमान संभालने की जिम्मेदारी होगी स्पिनर ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर के कंधों पर, एक नजर डालते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 पर। दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की बात हो गई है, अब बारी है फैंटेसी टीम की ओर। हमारी टीम ने काफी ज्यादा एनालिसिस करके फैंटेसी 11 बनाई है, तो हमें लगता है अच्छा प्रदर्शन करने को मिलेगा, पर आप अपने जोखिम पर अपने रिस्क पर अपनी फैंटेसी टीम को अंतिम रूप दीजिएगा। हालांकि हमारी फैंटेसी टीम के ऊपर नजर डालें तो ये रही क्रिकेट एंड मोर की फैंटेसी प्लेइंग 11। कैप्टेंसी सूर्यकुमार यादव के कंधों पर दे सकते हैं, वही वाइस कैप्टन आप डेवन कॉनवे को बना सकते हैं अपनी फैंटेसी टीम 11 में। क्रिकेट एंड मोर में अभी तक के लिए इतना ही, आगे की अपडेट्स के लिए और रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर फॉलो करें। अगर आप क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।